हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है सेफ मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेशन। ठीक है, इससे पहले हमने व्हीकल पे भी किया था, हमने इक्विपमेंट के लिए भी बात की थी, अभी मटेरियल हैंडलिंग की हम बात करेंगे। ठीक है, अब मटेरियल हैंडलिंग क्या हो रहा है, ये जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का और मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेशन एक्सीडेंट रिपोर्टिंग का ये चैप्टर जो है उसका टॉपिक है सेफ मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेशन। ठीक है, सेफ मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेशन जो है वो क्या बोला गया है, जो भी हमारा मटेरियल जो स्टोर हो रहा है, जैसे कि किसी जो भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उसके लिए जो स्टोर मटेरियल है हमारे पास, जो सामान को बनाने के लिए रखा जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस मटेरियल को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, उससे होने वाले हजार्ड्स को कैसे कंट्रोल करें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पूरे डिस्ट्रीब्यूशन तक, मतलब जो हमारे इंडस्ट्री में सामान बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जब तक वो बाहर डिस्पेस नहीं हो जा रहा है, लोगों तक नहीं पहुँच जा रहा है, जो भी मटेरियल हमारा है बाहर नहीं जा पा रहा है, तब तक का प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, कैसे करेंगे हम, ये सारी बातें हैं। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग देखिए ये रहता है, ये ऑपरेशन जो है वो यही शो करता है कि हमको किस तरीके से मटेरियल को रखना है बचा के, कैसे हम सेफ्टी रखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन पे हैं अगर हम, तो हमें क्वालिटी गुड मटेरियल्स चाहिए सबसे पहले, तो ठीक है, गुड क्वालिटी वाले मटेरियल्स चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का मटेरियल यूज़ करें अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो देखिए, क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा जो भी मटेरियल जो है, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो भी सारे काम अच्छे से दिखाई देंगे, है ना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमें जो भी चीज़ें लेनी है वो बहुत ही गुड क्वालिटी की लेनी है, हमें वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना है, हमें पता होना चाहिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, साथ में जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसे उसकी जगह पे वापस पहुंचा देना, ये भी एक काम है हमारा, मतलब प्रॉपर हाउसकीपिंग जैसा ये हो गया। ठीक है, जो भी हम ड्रम्स पुलीज यूज़ कर रहे हैं उनको हम जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्किंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उनको सही जगह पे रख देना। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया मटेरियल को सेफली रखना है, हमें एफिशिएंटली रखना है, लो कॉस्ट पे रखना है, टाइमली मैनेज भी करना है, उसको एक्यूरेट भी करना है, और हमें क्या करना है, डैमेज से भी मटेरियल को बचाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हम कर पाएंगे, डैमेज से तभी बचा पाएंगे ना जब हम मटेरियल को सही ढंग से रख रहे हों, है ना। अब ऐसी मटेरियल डाल दिया तो डैमेज तो वो होना ही है, तो हमने इसको इस तरीके से बचाया, हमें उसे सेफली ट्रीट करना है, सेफली रखना उस मटेरियल को। ठीक है, हमें लो कॉस्ट रखनी है अपने सामान बनने की, जो भी है हम उसको, ऐसा नहीं है कि हमने हाई प्राइजेस करके रखी हो और क्वालिटी भी लो, हमें क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, थोड़ा सा प्राइस में भी एडजस्टमेंट करना होगा। तो मटेरियल हैंडलिंग जो है वो यही कहता है कि हम जो भी मटेरियल हमारे यहाँ से यूज़ किया जा रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें यही करना है कि हमें उस मटेरियल को सेफली रखना है, किस किस जगहों पर हमें स्टोर करना है सभी को वो जगह पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मटेरियल हमने यूज़ कर लिया और उसके बाद कहीं भी हमने छोड़ दिया, उसको स्टोर प्लेस पर ढंग से स्टोर करना है, क्योंकि हजार्डस मटेरियल भी हो सकते हैं, हजार्डस मटेरियल को आपको ठीक से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे ये है, हमें प्रोसीजर जो चल रहा है हमारा, प्रोडक्शन जो चल रहा है, प्रोडक्शन कंट्रोल, हमें फंक्शन प्रोडक्शन कंट्रोल करना होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में जो भी मटेरियल बन रहे हैं उसे हमें क्या चाहिए, मटेरियल अच्छा चाहिए। ठीक है, तो हम क्वालिटी पर ध्यान देंगे पहले तो। ठीक है, हमें शेड्यूलिंग चेक करनी होगी प्रोडक्शन में, जो भी शेड्यूलिंग चल रही है क्या वो ठीक चल रही है, ऐसा तो नहीं शेड्यूल्स में प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मटेरियल पर भी इफेक्ट पड़े। हमें इफेक्टिव मटेरियल चाहिए, उसका इफेक्टिव लेआउट भी चाहिए, क्योंकि हमें उसकी कॉस्ट तो रिड्यूस करनी ही है, कॉस्ट तो रिड्यूस करनी होगी, कॉस्ट तो बढ़ानी होगी, पर क्या करना है, हमें उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली हम उस लेआउट पर बढ़ जाएगी। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट कॉस्ट पे ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि जब हम उसकी अपनी क्वालिटीज़ अच्छी रखेंगे तो हम इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पूरा मटेरियल हैंडलिंग यही शो कर रहा है कि आप किस तरीके से सारी सेफ्टी रख रहे हैं, किस तरीके से सारी सेफ्टी प्लान्स कर रहे हैं, है ना। हमें जो भी हम एक्ट कर रहे हैं, जो भी हम डिसीज़न ले रहे हैं, उनको इस तरीके से डिसीज़न लेने हैं कि होने वाले एक्सीडेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ ना हो,
ठीक है, हमारे द्वारा जो भी चीज़ें हों वो डिक्रीज़ ही होती जाएँ एक्सीडेंट के थ्रू, है ना, एक्सीडेंट्स कम से कम हो पाए। लिफ्टिंग अप्लाइंसेज यूज़ कर रहे हैं तो हमें एफिशिएंट लिफ्टिंग अप्लाइंसेज यूज़ करने, ऐसा नहीं हो कि आप लिफ्टिंग अप्लाइंसेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जो होता है ना जिस पर सामान टंग के ऊपर इधर से उधर जाता है, जैसे कि जेसीबी में एक हुक लगा रहता है उस हुक पे सामान हैंग करके इधर से उधर ले जाते हैं, इस तरीके की लिफ्टिंग इक्विपमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उनको भी हमें देखना है पहले, पूरे अच्छे से पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद ही हम उस पर कोई मटेरियल रखेंगे, ऐसा ना हो कि वो मतलब जैसे अनटाई करके हमने उस पर रखा, अनटाई हो के वो गिर जाए नीचे, है ना, अच्छे से बंध ना पाए या कुछ भी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से हमें बचाना है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कुलीग्स को इस तरीके से। तो वो कैसे होगा, जब हम अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, है ना, तो सारी चीज़ें चेक करके ही उस पर रखी जाएंगी, और बाकी चीज़ें भी चेक कर ली जाती हैं वैसे तो, कि आप ओवर वेट तो नहीं कर रहे हैं, ओवर लोड तो नहीं कर रहे हैं उसको, है ना, आपने अच्छे से टाई किया है नहीं, नोट सही से बांधे हैं नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। आपको हमेशा जो भी आप लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं लिफ्टिंग करते टाइम पे, तो आपको सेफ्टी शूज़ वेयर करके रखना है, ताकि कोई भी भारी भरकम सामान अगर आपके पैर पे गिरता है तो आपको उसे चोट ना लगे, ठीक है। इस तरीके के एडजस्टमेंट हमें इजीली एक्सेसिबल बनानी है, ठीक है, इस तरीके की हमें सेफ्टी रखनी है, एक्सीडेंट से बचना है और ख़ुद को सेफ रखना है, अपनी इंडस्ट्री को भी सेफ रखना है, ठीक है। तो ये मटेरियल हैंडलिंग मैंने आपको बताया, सेफ मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेशन, ये छोटा सा एक ऑपरेशन है जिसका पहला स्टेप है, ये पहले स्टेप में हम यही करते हैं, हमारे जो जो हैजार्डियस मटेरियल जो होने वाले ज़्यादा मटेरियल हैं, जैसे कि लिफ्टिंग हो गया, ठीक है, और बाकी प्रोडक्शन में हैजार्डियस मटेरियल रखे हुए हैं, हाई हैजार्ड मटेरियल, उन पर पहले काम करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे भी बात करेंगे, अभी तो ये क्या है, अपना स्टार्टिंग चल रहा है इसका, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के नेक्स्ट चैप्टर का। तो इसमें क्या है, यही बताया जाएगा कि हम कैसे सेफ्टी रखेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, सेफ कैसे रखेंगे मटेरियल हैंडलिंग को, ऑपरेशन कैसे करेंगे उसका सेफली, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बताया इसके बारे में, सो थैंक यू।